Good afternoon, my dear children. How are you? This is our third lecture in chemistry. आप सब मुझे पता है कि वेट कर रहे होंगे कि कब आएगा थर्ड लेक्चर, तो आज आ गए आप ना. और आई होप एंड 100% इज ट्रू कि आपने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में जो जो पढ़ाया है वो कंप्लीट कर लिया होगा. आपको जो होमवर्क दिया था वो कंप्लीट हो गया होगा. आपने रिवीजन कर लिया होगा सारा फर्स्ट एंड सेकंड. तो लेट अस हैव अ वेरी वेरी फास्ट रिव्यू ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड इन 2 मिनट्स ओनली. इन द फर्स्ट लेसन वी हैव टेकन द मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. आई डोंट वांट टू गो इन डिटेल, ओनली द नेम्स मास परसेंट, मोलैरिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, मास, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम. सो टोटल 7. We have done 7 to 8 numericals for the particular part. Second lecture में अपने कुछ numericals करे थे. उसके बाद आपको मैंने एक नया topic पढ़ाया था जिसका नाम था solubility. उसी topic को लेके एक दफा revise करेंगे 2 मिनट के लिए. Solubility का मतलब होता है कितना solute solvent के अंदर dissolve है. इसमें अपन ने capital A वाला part पढ़ा था, if you remember. Solubility of a gas. Of a solid in a liquid. If you remember, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई सॉलिड को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो अगर वो कम सॉलिड डाला है तो पानी में आराम से डिसॉल्व हो जाएगा. लेकिन अगर आपने सॉलिड को ज्यादा डाला, यहाँ तक कि आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया जहां पर नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड, सो द इक्विलिब्रियम स्टेज एक वहां आता है जहां पर क्या था बेटा, रेट ऑफ डिसॉल्यूशन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. उस टाइम सॉल्यूट का अमाउंट जो सॉल्वेंट में है वो फिक्स होता है और उसी को सॉल्युबिलिटी कहा जाता है. देन आई हैव एक्सप्लेन टू यू दैट देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड, बट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफ यू रिमेंबर, आई हैव गिवन टू यू, इफ आफ्टर द डिसॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड हीट इज इवॉल्व, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, then low temperature favor the solubility. और अगर हमने जब solid को liquid में डाला, heat absorb हो रही है, यानी endothermic reaction है, तो क्या होगा बेटा? High temperature favor the solubility of a solid in a liquid. So this we have done. The first part of solubility we have done, that was solubility of a solid in a liquid. So what is the aim of today's class? The B part, that is solubility of a gas in a liquid. Before we start, hurry up, like करो वीडियो को, क्योंकि आगे जो आने वाला है बढ़िया है. लाइक करोगे तो और समझ में आएगा. जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है सब्सक्राइब कर दो चैनल को और शेयर भी कर दो. ओके, तो दिस इज लाइक आई थिंक यू हैव टू डू इट ऑलवेज. तो लाइक मुझे चाहिए, फटाफट लाइक होते रहे बीच बीच में. ओके, नाउ लिसन टू मी केयरफुली. व्हाट यू हैव टू राइट टुडे, the first line, the copy, write capital B please, and in capital B write down this heading, solubility of a gas in a liquid. Please write down solubility of a gas in a liquid. This is B part. I hope that you have done it. ये B part था, मतलब जो आज पढ़ेंगे हम, कि जब गैस को लिक्विड में डालते हैं तो क्या होता है. This will be here to start. इसको पढ़ाने से पहले मुझे एक चीज बताना है जो कि थोड़ी आजकल कम मिल रही है, but I am very happy कि कम मिल रही है. So अपनी health बढ़िया अच्छी चल रही है. You know cold drink, all of you like it, I know. सभी को cold drink पसंद है. गर्मियों का टाइम आ रहा है, शुरू हो गई है गर्मी भोपाल में. I think 30 डिग्री अबव चल रहे हैं अपन. But thank to God and please don't order any cold drink because it contains the preservative. Phosphoric acid. But why I am giving you this introduction? Because today's topic we will be taking a cold drink bottle in our imagination only, not practically. ठीक है? Now उस bottle के अंदर carbon dioxide होता है और शक्कर का पानी, sugar water. उसको pressure से with high pressure CO2 को पानी में डाल दिया जाता है. इसी topic को लेके अपन चलेंगे पूरी class में. Solubility of a gas, that is which gas we have? Carbon dioxide in a liquid, that is water. ठीक है?
So this is our aim. Before we start this, remember one line all of you have to write. We will explain while you are writing. Some gases dissolve in water to less extent. Please write down in this heading, write down the first line. Some gases dissolve in water to less extent. मतलब कुछ गैसेस पानी में बहुत कम डिसॉल्व होती है, बहुत ज्यादा डिसॉल्व होती है, फुल्ली सोल्युबल नहीं होती. तो पहला क्या था आपका, सम गैसेस डिसॉल्व इन वाटर टू लेस एक्सटेंट. ठीक है, कम एक्सटेंट. फॉर एग्जांपल O2 इन वाटर. अपन को लगता है कि ऑक्सीजन पानी में बहुत होता है, ऐसा नहीं होता. जब ऑक्सीजन को पानी में डालते हैं, मतलब गॉड गिफ्टेड वो अपने सी वाटर में, अपने लेक्स में, अपने पॉन्ड्स में, हर जगह होता है O2. एंड बिकॉज ऑफ दिस द एक्वेटिक स्पीशीज are present, otherwise सब die हो जाएंगे. So, but you should remember that O2 जब पानी में होता है तो उसका जो amount होता है वो क्या होता है बेटा, less. So the first example you have to write in this heading, some gases dissolve in water to less extent. Understood? And please write down the example there only. Example O2 in water. Full stop या comma लगा लो. उसके बाद वहीं पर continue कर लो line. Why some to large extent? Why सम टू लार्ज एक्सटेंट. तो कुछ गैसेस कम डिसॉल्व होती है और कुछ गैसेस ज्यादा डिसॉल्व होती है टू लार्ज एक्सटेंट. एग्जांपल राइट फॉर दिस, HCl इन वाटर. HCl इन वाटर जैसे वहां पढ़ा था अपन ने, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में लाइक डिसॉल्व लाइक पढ़ा था, याद है. कुछ पानी में डिसॉल्व होते हैं, कुछ बेंजीन में डिसॉल्व होते हैं, ऐसे यहां पर कुछ गैसेस कम डिसॉल्व होती है पानी में, कुछ गैसेस पानी में ज्यादा डिसॉल्व होती है. HCl भी है, अमोनिया भी है. आपके लैब में एक बॉटल रहती है, उसमें लिखा होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज अमोनिया गैस डिसॉल्व इन वाटर. ठीक है, और ये लिक्विफिकेशन वगैरह अभी क्रैश में भी स्टेट्स ऑफ मैटर आ रहा है. मैं फिर बीच में दोहराना चाह रही हूँ कि काश आप लोग मेरी बात सुने. और क्रैश में 11 का इतना बढ़िया सिलेबस कवर हो रहा है कि जो ड्रॉपर बच्चे हैं, ड्रॉपर समझते कौन होते हैं, जो 11th 12th पढ़ के और ड्रॉप लिया होता है, वो बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि मैडम क्या बढ़िया आपने ये काम करा है कि हमारा पूरा कोर्स रिवाइज हो रहा है और बहुत ही सिस्टमैटिक वे में. व्हाई माय चिल्ड्रन आर नॉट लिसनिंग टू मी, आई होप कि सुन लो. पता है कौन कौन से चैप्टर कवर हो गए हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें पता है, जो नहीं पढ़ रहा है उन्हें कुछ नहीं पता. इक्विलिब्रियम पूरा कवर हो गया है, केमिकल और आयोनिक बॉन्डिंग पूरा कवर हो गया है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम कवर हो गया है. इस हफ्ते जो डलेगा मंडे से थर्मोडायनेमिक चल रहा है, इस हफ्ते थर्मोडायनेमिक. उसके बाद वाला जो नेक्स्ट वीक आएगा उसमें स्टेट्स ऑफ मैटर, जहां लिक्विफिकेशन की बात वहां से चली आ रही है. फिर केमिकल फैमिली एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, पूरा 11th रिवाइज हो रहा है. इफ यू लिसन टू मी यू विल बी गेटिंग द सिलेक्शन. सो प्लीज रिमेंबर, लुक फॉरवर्ड फॉर दीज वीडियोज ऑल्सो विच आर वेरी वेरी रिच इन मटीरियल, एंड दीज आर ऑल्सो विच आर ऑफ क्लास 12th. सो व्हाट इज द कंक्लूजन, सम गैसेस डिसॉल्व टू लेसर एक्सटेंट, सम गैसेस डिसॉल्व टू large extent in water. Now, so solubility of gases in water, ये line को देख रहा है. Solubility of gases, new line, solubility of gases in water depend on two things. Solubility of gases in water depend on pressure, underline pressure please, and temperature, underline temperature also. Underline pressure and underline temperature. So what is the conclusion? Solubility of gases in water depends on pressure and temperature. Is it clear? So please remember these two points. Understood? Now, next thing you have to do what? You have to write on the side heading. You can use another pen of, if you want, or the same pen, underline it. Effect of pressure. And be very careful. जब सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व किया था, जब इफेक्ट ऑफ प्रेशर मैंने कहा था नो इफेक्ट, पिछली वाला जो लेक्चर था उसमें लास्ट ही मैंने ये बोली थी नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर. वो यहां पर अपन पूरा टॉपिक पढ़ना है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, और ब्रैकेट में लिखोगे HENRYS, हेनरीज लॉ. व्हाट इज HENRYS? हेनरीज लॉ. सो इफेक्ट ऑफ प्रेशर यानी हेनरीज लॉ अपन जो है अब पढ़ना है, और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं यहां लगा देती हूँ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट हेनरीज लॉ. इसका डेफिनेशन, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, इसका ग्राफ, इसका एप्लीकेशन और इसके न्यूमेरिकल्स, हर चीज इसकी इंपॉर्टेंट है, आती रहती है एग्जाम में, बोर्ड लेवल पे और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी. ठीक है,
अब सुनो ध्यान से, मैं प्रैक्टिकल अप्रोच बता रही हूँ पहले कि हनी ने बोला क्या था, हनी ने कहा क्या था, वो बहुत सिंपल एप्लीकेशन है जो तो हर बच्चा अपनी लाइफ में ऑब्जर्व कर रहा है। ये आपके पास एक सिलेंडर है, एक कंटेनर है, कुछ भी समझ लो, इसके अंदर मैंने गैस भर दी, उसमें ये जो ब्लैक वाला पार्ट है पैन का, इसको समझ लो ये प्रेशर का मैनोमीटर को हम पिस्टन से प्रेशर को दबा रहे, तो उसने ये बोला कि इस कंटेनर में गैस भरी, अगर CO2 ले लो पानी, उसने कहा कि अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा, ये प्रेशर में बढ़ा दिया, जैसे मान के चलो यहाँ आ गए मेरा हाथ है, यहाँ आ गए, तो अभी गैस यहाँ तक थी, अब गैस इतनी जगह में आ गई, तो गैस के मॉलिक्यूल पास पास आ गए, यानी सोल्युबिलिटी गैस की लिक्विड के अंदर बढ़ जाएगी। बिल्कुल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, नहीं बता दो मुझे, मतलब इसको तुम ये सोचो कि डिफिकल्ट पढ़ा रही है मैडम, हमेशा केमिस्ट्री डिफिकल्ट नहीं होती, केमिस्ट्री को समझोगे तो ईजी लगेगी। तो क्या कहा हनरी ने, किसने पढ़ाई, तुम भी पढ़ सकते थे लेकिन हनरी ने पहले पढ़ लिया तुमसे, क्या कहा हनरी ने, हनरी ने ये कहा लिखना नहीं अभी, मैं लिखवाऊँ डिक्टेट कराऊंगा डेफिनेशन एग्जैक्ट वाली, सुनो पहले मैंने कहा द सोल्यूबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, और उससे पहले बहुत स्पेशल चीज है जो मैं अभी बोलूंगी, पहले नहीं बोला था, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, डेफिनेशन में ये लाइन होना बहुत जरूरी है, नहीं होगी तो हम तो नंबर काटते हैं, क्यों, क्योंकि अगर टेम्परेचर तो बढ़ा दोगे तो बढ़ा देते, कोल्ड ड्रिंक की बोतल कहीं से मुश्किल से मिल जाए इस टाइम, किसी को एक आध बॉटल मिल गई, उसने कहा कि ला यार हमारा तो तबीयत खराब हो जाएगी, कोरोना वैसे ही फैला हुआ है, गले वाले में लग जाएगी, ना मैं गर्म करके पीता हूँ, पीना जरा गर्म करके कोल्ड ड्रिंक की बोतल, मजा आएगा, आएगा पता, CO2 पूरा गायब हो चुका होगा, निकल जाएगा, तो वो गर्म कौन सा पानी, मीठा गंदा पानी रहेगा। So what is the conclusion of all this? At constant temperature, you have to add the definition. At constant temperature, the solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas above the liquid. कितना बढ़िया definition. जो solubility है हमारी gas की, वो directly proportional कैसे है? Pressure. अब समझ आ रही होगी 100% क्योंकि CO2 को जितना pressure से डालोगे, उतना ही वो पानी में सोल्युबल होगा, क्योंकि कम जगह में आ जाएंगे मॉलिक्यूल, पास आ जाएंगे, जहां पास आते हैं वहां सोल्युबल हो जाते हैं। तो सबसे पहले कॉपी में हर बच्चा यहां लिखेगा, मेरा हर बच्चा इस वक्त जो मुझे देख रहा है, जो सुन रहा है और जो मेरे साथ है, वो लिख रहा है डेफिनेशन ऑफ व्हाट, ऑफ हनरीज लॉ, प्लीज स्टार्ट, आई विल डिक्टेट इट बेटर, द सोल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, इतना लाइन लिखो, the solubility of a gas in a liquid is directly proportional the solubility of a gas in a liquid, ghabrani at constant temperature mein aap likh paunga, the solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure, underline partial pressure, is directly proportional to the partial pressure of the gas, directly proportional to the partial pressure of the gas present above the liquid, to the partial pressure of the gas present above the liquid at constant temperature, underline at constant temperature, because the definition will be incomplete without this line. This is the secret of 95 above. Remember always in mind, in each lecture you have to remember this, then you will be competitive spirit you have, and 100% you will be getting it. Understood? Because many times we have, actually in NCERT they have written at constant temperature, but not with dark letter. They have written in between the lines. So many times we never write, but you have to write. I will repeat the definition if anything is missing. The solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas present above the liquid at constant temperature. You have to underline three things in this definition. First, please solubility underline it. Second thing, you have to underline partial pressure. Third thing, you have to underline at constant temperature. Three things you have to underline. And according to me, I am teaching exactly as I used to teach in my offline classes. Very, very slow,
101% complete. You can't blame that, madam, हमें तो करी नहीं पाए, नहीं कर पाए, तो you have to do it again, again. You can write it or you can see the video 3-4 times and you can do it. Is it clear? But you have to write it. You have to do it. Is it clear the definition, all of you? Now write. First, I will explain one thing. First, before we rub this, remember, as you have done the methods of expressing the concentration, you have done, my dear. Many methods of expressing are there: molarity, molality, mole fraction. But scientists को यानी Henry को, scientists को सबको नहीं Henry जिसने बनाया, उसको mole fraction से बहुत प्यार था. तो उसने क्या करा? देखो solubility का मतलब क्या होता है? Solubility का मतलब कितना solute solvent के अंदर है. ये तो solubility होता है. कितना solute solution के अंदर ये solubility होती है. In the same way, mole fraction भी is one of the method of what? Of expressing the concentration of solution. तो ये भी मतलब सोल्युबिलिटी का ही मेथड है. सो व्हाट इज द कंक्लूजन? लिसन, फर्स्ट यू हैव टू लिसन, देन यू विल राइट. सोल्युबिलिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड, सोल्युबिलिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन. नो एनी प्रॉब्लम इन दिस स्टेटमेंट. आई डोंट वांट एनी प्रॉब्लम इन दिस स्टेटमेंट, बिकॉज mole fraction is one of the method of expressing the concentration and solubility is also one of the method of expressing the concentration of solution. Is it clear? Now you can write from new line. Don't write the same line. Write from new line. Solubility can be expressed in terms of mole fraction. Again you have to underline solubility and underline mole fraction. So solubility can be expressed in what? In terms of mole fraction. Please write down this line fast. Solubility को के बदले हम क्या ले सकते हैं? Mole fraction. ये हो गया. अब ध्यान से सुनना. एक और definition दी है Henry ने. Solubility के बदले उसने क्या कहा? Mole fraction. मैं बोलूंगी, लिखना नहीं है, सुनना. उसने कहा, the partial pressure of a gas in a liquid is directly proportional to the mole fraction of a gas in a liquid at constant temperature. मतलब solubility के बदले उसने mole fraction जो है डाल दिया. तो अब आप हर बच्चा अपनी कॉपी में लिखो another definition of Henry's law. Fast this line. New line से another definition of Henry's law. Another definition of Henry's law. Let me write. You can write the partial pressure of the gas, the partial pressure of the gas in vapor phase, the partial pressure of the gas in vapor phase. गैस वेपर फेस में होगी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगेन द पार्शियल प्रेशर पे अंडरलाइन द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन. Is directly proportional. I will use another pen also. When you underline, you can use the other pen also. It's better. To the mole fraction, underline with red. To the mole fraction of the gas in solution. To the mole fraction of the gas in solution. Inverted comma. Finish all. So again I repeat, जिनका छूट गया है वो लिखते जाने साथ. The partial pressure of the gas in vapor phase is directly proportional. Partial pressure किसे directly proportional? Solubility से, यानी solubility के बदले directly proportional to the mole fraction of the gas in solution. अब इसमें बता बेटा, technical mistake बताऊं? बच्चा जैसे पेपर देके देते टाइम ना, ये टेक्निकल मिस्टेक जो करता है ना, उसके नंबर कम होते हैं. जैसे बच्चे ने लिखा था पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेस, इतना जरूरी है लिक्विड फेस नहीं. जो गैस ऊपर जाकर कोल्ड ड्रिंक की बॉटल को हिलाते हैं
ऊपर बाबा बताते हैं वो गैस जो पार्शियल प्रेशर गैस इन वेपर फेस किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, मोल फ्रैक्शन उस गैस से जो पानी में है, क्योंकि CO2 खाली ऊपर नहीं होता अंदर भी होता है। तो देखो कितनी टेक्निकल लाइन है। अब आप टेक्निकल ही नहीं पढ़ा कुछ भी बैठे लिख रहा हो कुछ, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन मोल फ्रैक्शन, फेल होगा तो नंबर में जाएगा। 23 लाने के तो नंबर भैया दे देंगे, किसी के 20 आएंगे तो मतलब 20 है तो एक दे देंगे, 21 कर देंगे, हर कहीं कुछ और दे देंगे, पास कर देंगे, लेकिन जिसके आ रहे होंगे 50-70 में से उसको कुछ नहीं मिलेगा, उसको उसको आधा मिलेगा इस डेफिनेशन में। अगर उसने लिखा द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मोल फ्रैक्शन, समझ आ रहा है? छोटी ट्रिक्स, यही ट्रिक्स है जिसकी वजह से नंबर आ रहा है। लिख लिया टू डेफिनेशन यू हैव फ्रॉम रीड्स और नॉट, बट इन एग्जाम इट विल कम, बहुत दफा आ चुका है डिफाइन हनरीज लॉ, राइट ओनली वन, जो तुम्हें अच्छी लगे वो तुम लिख देना, दो दो डेफिनेशन लिख के अपना टाइम वेस्ट नहीं करना और पेपर छोड़ के नहीं आ जाना। सो ओनली एनी वन ऑफ द डेफिनेशन यू कैन राइट, एनी वन यू कैन राइट। नाउ जब तक मैं बोर्ड बता रही हूँ आपका काम है कि आप नेक्स्ट चैप्टर डालेंगे मेरी एक कॉपी में जो आपको लिखना है, आपकी कॉपी या मेरी कॉपी, आपकी कॉपी, सबकी एक ही कॉपी, राइट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, व्हाट यू हैव टू राइट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ व्हाट ऑफ हनरीज लॉ, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ हनरीज लॉ। जो अपन कोई भी जब लॉ पढ़ा फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ लो पहली बार, उसके अंदर थ्योरी तो है खाली, मतलब इसके अंदर थ्योरी भी है लेकिन हर चीज का थ्योरी के साथ साथ मैथमेटिकली भी अपन को देखना है कि क्या है, ठीक है? तो अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बहुत आसान है, मैं उसका फॉर्मूला लिखूंगी। ध्यान रखना बेटा कि पार्शियल प्रेशर में अपन स्मॉल पी बनाएंगे, क्योंकि कैपिटल पी अपन नहीं बनाएंगे, वो टोटल प्रेशर का है। तो पार्शियल प्रेशर में हम क्या बनाने वाले हैं, स्मॉल पी, ये जो डेफिनेशन लिखी है उसी को मैथमेटिकली मैं कर रही हूं। पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, टू मोल फ्रैक्शन। ये बात सही है कि नहीं? अभी मैंने डेफिनेशन लिखी है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन लिक्विड या इन सॉल्यूशन। तो ये हो गया। यू नो वेल व्हेनेवर यू हैव साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यू हैव टू रिमूव इट एंड ऐड अ कांस्टेंट। सो नाउ दिस टाइम योर कांस्टेंट इज KH into X. Please take a pen. Of course, कहोगे बड़ा पेन तो है, हाथ में क्या टेक अ पेन, टेक एन अदर कलर पेन। दीज आर द ट्रिक्स। और तुम्हें एक बात और बताऊं, मैं एक बढ़िया बात बताने वाली हूँ, तुम सबको अच्छा लगेगा। मैं एक संडे स्पेशल करके एक वीडियो देने वाली हूँ, पता तुम्हें? सुनो दो मिनट मेरी बात। आज अपना वेनेसडे, फ्राइडे को नॉर्मल पढ़ाई हो रही है, संडे को छुट्टी दी है, संडे को एक वीडियो डालने का सोच रही हूँ, दुआ करो डल जाए। संडे स्पेशल करके पढ़ाई से लेना देना नहीं है उसमें, उसमें हम आपको मतलब ऐसा सोचा है, नहीं मेरी सोच है, हर संडे को मेरा अंदर से मन है एक इस इंस्टीट्यूट का कोई एक बच्चे को बुलाया जाए जिसने वाकई में कुछ स्पेशल करा है, तो ऐसा मैंने सोचा है। और बच्चे तो बिल्कुल एक्साइटेड है वहाँ मैडम, क्योंकि मेरे सारे बच्चे उससे जुड़े हुए हैं थैंकफुली। जो मेरे बच्चे 2008 के हैं और 5 के, वो तक तो USA में है, ऑस्ट्रेलिया में, सारे उससे जुड़े हुए मेरे ग्रुप के बच्चों का पुराने। सो उन्होंने कहा कि मैडम हमें तो मज़ा आ जाएगा, आप ऐसा कर लो। तो प्लीज प्रे कि अपन ऐसा करें और संडे स्पेशल में उन बच्चों जो हम वो प्रीमियर देना चाह रहे हैं, तो मैं टाइम बता दूंगी, तुम एक एक वर्ड देखना कि बच्चा क्या बोल रहा है, वो मतलब एक बहुत ही मतलब अच्छा टॉप होगा, मजे का। बट यू हैव टू लिसन एंड यू हैव टू एब्जॉर्ब, क्योंकि तुम्हें चांस मिला है, स्पेशल चांस दे रही हूँ मैं। हर तरह का बच्चा जाऊंगी उसमें, नीट का निकला हुआ, 100 में से 100 आने वाला, फ्राइडे तक बताऊंगी, अगर मेरा कंप्लीट होगा ना फ्राइडे को, बता दूँ कौन सा बच्चा आ रहा है, 100 out of 100 वाला, 99 out of 100 वाला, बोर्ड में कैसे लाया, IIT में कैसे निकल गया, नीट में कैसे निकल गया, NDA में कैसे निकल गया। सो प्लीज टेक केयर, क्योंकि तुम्हें हर तरह का बच्चा यहाँ से का प्रोडक्ट निकल चुका है। तो चलो बीच में ही बता दिया ताकि जरा खुश हो जाओ। नाउ लिसन टू मी केयरफुली, या माय डियर क्या बोला मैंने, पी इक्वल टू व्हाट, पी इक्वल टू केएच इनटू एक्स। नाउ व्हाट इज पी, पी इज पार्शियल प्रेशर, सो पी इज पार्शियल प्रेशर, सो पी इज पार्शियल प्रेशर। व्हाट अबाउट एक्स, मोल फ्रैक्शन, एक्स इज मोल फ्रैक्शन, पी इज पार्शियल प्रेशर, एक्स इज मोल फ्रैक्शन,
What about Cage? Cage is Henry's law constant. यहाँ पर Henry's constant कह दो. Henry's law नहीं कह रहे तो Henry's constant भी कह सकते हो. Henry's constant. So please remember दो दफा मेरे साथ दोहरा. P partial pressure small p equal to Cage into s. P equal to Cage into s. Now after this formula my dear, you please remember that you have to write the side in graphical representation. Graphical representation. Now you draw the graphs. As we know well that always the graph is again very much important. Sometimes they can ask you for one mark. On the y-axis and the x-axis you have. On the y-axis you will be taking partial pressure. On the y-axis you will be taking partial pressure. On the x-axis you will be taking mole fraction. On the x-axis you will be taking mole fraction. So on the y-axis what you are taking? Partial pressure. On the x-axis what you are taking? Mole fraction. And I think इतना मैथ्स हमें आता है भले हम बायो वाले हैं, ब्लैक नहीं करोगे हम बायो वाले हैं. क्या ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन नहीं दिख रहा? दिख रहा है. तो स्ट्रेट लाइन की जो लाइन होगी वो हमारी यहां से निकलेगी और ये हमारा हेनरीज लॉ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है. फटाफट फास्ट बनाते जाओ, लाइक करते जाओ, फास्ट से लाइक करके डू इट, ड्रॉ इट फास्ट. अरे तो द ग्राफ इज बिटवीन पार्शियल प्रेशर and mole fraction and it is a straight line graph. Hurry up. Done. I hope it's clear. एक चीज और पढ़ते हैं बेटा निकल. एक बहुत important statement देने वाली हूँ मैं. बहुत ज़्यादा important है. Remember. Let me use a black pen. Now, different gases. चाहो तो लिखते जाओ, समझाते हैं. साथ लिखते जाओ तो time बचे. Different gases. क्या लिखा है? Different gases अलग N2O2 CO2 को जोड़ें. Different gases have different value of Cage. Different gases have different values of Cage. Okay? लिख लिया यहां पर. At the same temperature. इसको अलग पेन से लिखते हैं. At the same temperature. Different gases have different value. पहले लिख लो, फिर अपन समझा रहा. ये लाइन लिख लो पहले. ये सब बिटवीन द लाइन होती है. ये जब देखते नहीं अपन ना बोर्ड लाइन को जैसे लिखे हुआ चलेगा सीधे आगे इसी आगे, बट ये लाइंस में बहुत कुछ छुपा होता है अंदर. डिफरेंट गैसेस, अलग अलग गैसेस जैसे N2 ले लो, O2 ले लो, Cl2 ले लो, कुछ कोई सी ले लो. डिफरेंट गैसेस हैव व्हाट? डिफरेंट वैल्यूज ऑफ केज एट द सेम टेम्परेचर. इफ द टेम्परेचर इज सेम, टेम्परेचर सेम है, लेकिन अगर गैस N2 है और O2 दोनों को तुमने 300 केल्विन पे लिया लेकिन दोनों का केज की वैल्यू अलग होगी, तो इसका मतलब क्या हुआ? केज डिपेंड अपॉन व्हाट? ऑन द नेचर ऑफ द गैस. करेक्ट. ये सब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, स्टेटमेंट वाले में आ जाएगा, असर्शन रीजन में आ जाएगा. तो डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ केज एट सेम टेंपरेचर. आगे लाइन में रिटेट कर दूं, बोलो देखो आगे लाइन इसी के आगे लिखो, उसको पूरा अंडरलाइन करना. दिस मींस दैट केज is a function of nature of the gas. This means that Cage is a function of the nature of the gas. Cage is a function of the nature of the gas. बिल्कुल आ सकता है. ये क्वेश्चन में क्या आ रहा है मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल आ सकती है. असर्शन रीजन के लिए तुम लोगों के घर का घर तुमने देख ही लिया है. क्लास 11 का जो फाइनल पेपर सब बच्चों ने दिया था तो उसमें देखा था ना, असर्शन रीजन सब आया था. बट अब जो है अपन साल भर प्रैक्टिस करेंगे इसकी. ठीक है, तो हो गया क्या आपका?
आई होप इट्स क्लियर. यहाँ तक तो सब समझते होंगे. कैश डिपेंड करता है गैस के ऊपर, गैस के नेचर के ऊपर. और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन समझ गए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ गए, डेफिनेशन दोनों समझ गए. अब आगे बढ़ रही है, आगे जब जर्नी पढ़ रही है तो आगे जर्नी पढ़ रही है, सिंपल सी चीज बताई जा रही है उसमें, बहुत आसान है, सबको समझ में आ रहा है. P equal to cash into x, अभी लिखा था. अगर आप cash देखोगे, अलग से cash लिखोगे, cash equal to क्या है? P by x. इसमें मुझे एक चीज समझाना थी, इसलिए मैंने ये दिया है. एक चीज है बताना मुझे, cash equal to P by x में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाना है. बेटा x क्या डिनोट कर रहा है? मोल फ्रैक्शन. और मोल फ्रैक्शन क्या डिनोट कर रहा है? सॉल्युबिलिटी. करेक्ट और नॉट? तो सॉल्युबिलिटी और cash आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. इसके ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड एग्जाम. आप एक काम करिए, पहले आप ये लिखिए कॉपी में न्यू लाइन से बगैर कोई हेडिंग, उसके बाद आप ये लिखिए, उसके बाद मैं एक लाइन लिखवा दूंगा जल्दी से. P equal to cash into x, न्यू लाइन से लिखेंगे आप cash equal to P by x. अब आप लिखिए जो मैं बोल रही हूँ, स्टेटमेंट जो मैं बोल रही हूँ लिखिए आप. राइट द स्टेटमेंट. सो इट इज क्लियर दैट, सो इट इज क्लियर दैट सॉल्युबिलिटी, so it is clear that solubility is and cash, so solubility and cash are inversely proportional to each other. Solubility and cash are inversely proportional to each other, means higher the value of cash, higher the value of cash, lesser is the solubility. Higher the value of cash, lesser is the solubility of a gas. अब एक स्टेटमेंट दी है किताब में, मैं वही स्टेटमेंट लिखाना चाह रही हूँ एग्जैक्टली जिस किताब में लिखी है. देखो न्यू लाइन से, इट इज क्लियर दैट, it is clear that यहां से kh values for both n2 and o2, kh values for both o2 and n2 increases, kh values for both o2 and n2 increases with increase in temperature. क्या लिखा है आपने? आपने लिखा है कि ये देखा गया कि n2 और o2 की वैल्यूज, cash वैल्यूज n2 और o2 की देखा गया बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ने से. ध्यान से समझना बेटा, टेम्परेचर बढ़ने से cash की वैल्यू बढ़ रही है. और तुम्हें पता है कि केज और सॉल्युबिलिटी आपस में क्या है बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्या ये बात आपको पता है? तो प्लीज ध्यान से सुनिए, केज वैल्यू N2 और O2 की बढ़ रही है टेंपरेचर बढ़ाने से. दिस मींस दैट सॉल्युबिलिटी ऑफ N2 एंड O2 decreases with increase in temperature, decreases with increase in temperature. Please remember this, a very very important line and very important concept also. फिर से मैं समझा रही हूँ, ये effect करके देखा गया N2 और O2 की value देखी गई, केज की बढ़ रही है कैसे? टेम्परेचर बढ़ रहा है तो केज की वैल्यू बढ़ी, ये देखा तुमने. अगर केज की वैल्यू बढ़ रही है तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि N2 और O2 की सॉल्युबिलिटी घट रही है टेम्परेचर बढ़ाने से. क्लियर? यही बात इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुकी है. यहाँ पर मैं आपको रेड पेन से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख रही हूँ, ये 1 मार्क का क्वेश्चन आ चुका है, इसको छोड़ेंगे नहीं. एक एक लाइन जो बोली जा रही है उसको एब्जॉर्ब करेंगे, और जहां जहां इंपॉर्टेंट लिखना है वहां लिखेंगे. क्यों लिखेंगे, ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि जब फाइनल से पहले कुछ लोगों को घबराहट शुरू हो जाती है कि इतना सारा कैसे पढ़ें, तो कम से कम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट को नहीं छोड़ेंगे आप. आई होप इट इज क्लियर माय डियर चिल्ड्रन. सो प्लीज रिमेंबर ऑल दिस. सो
First of all, we have taken two definitions. Then I have given to the mathematical expression, it is written here also. Then I have given to the graphical representation. After that, I have given this very special statement that KH value depend upon the nature of the gas. Then this statement और उसके नीचे ही बना. ये सब बहुत important पढ़ा है अपन. Next हम आ रहे हैं. इसके बाद अगर लिख लिया है आपने, नहीं तो मैं तुम्हें दो मिनट का time दे रही हूँ, तुम लिख लो. लिख लिया बेटा, वेरी गुड. अब अपन ये आपका हो गया. नेक्स्ट वी आर टेकिंग एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ. इसमें से भी बेटा बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ चुके हैं, तो अब नेक्स्ट हेडिंग आपकी कॉपी में लिखी जा रही होगी, एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ. द नेक्स्ट हेडिंग विल बी एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ. तीन एप्लीकेशन है बेटा, और तीनों के तीनों एप्लीकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी एग्जाम में अलग से आ सकता है. ठीक है, तो अपन तीनों पढ़ेंगे. मतलब जो जो मैंने बोला था तुम्हें कि पहले डेफिनेशन होती है इस चैप्टर में, फिर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, फिर ग्राफ होती है, फिर एप्लीकेशन है, फिर न्यूमेरिकल. मतलब अपने दो चीजें बची हैं, ये एप्लीकेशन है, उसके बाद अपना न्यूमेरिकल आएगा. तो आई होप दैट वी हैव रिटन द एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ. ओके मेरे बच्चे, नेक्स्ट आप वन लिखेंगे. वन एप्लीकेशन बहुत ही बढ़िया है, वो जो मैंने बोला है आजकल मिल नहीं रहा आपको, और कभी भी नहीं मिला तो अच्छा है. क्या है वो बोलो? कोल्ड्रिंक बॉटल. क्यों अच्छा है कि बिकॉज़ इट कंटेन व्हाट? CO2 वाटर एंड फास्फोरिक एसिड, जो कि अपन खाद में डालते हैं कीड़ा मारने के लिए. कहाँ डालते हैं पता तुम्हें? वेजिटेबल. जब ये अपन खाद जानते हो, जब अपन डालते हैं सब्जियां उगाते हैं या जो भी अपन की जमीन पे अपन उसमें डालते हैं फर्टिलाइजर्स, वो फर्टिलाइजर में अपन कुछ ऐसा डालते हैं जिससे कीड़ा नहीं लगे. वो होता है फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फेट. वो होता है तुम्हारे कोल्ड ड्रिंक में, एंड यू आर एंजॉयिंग विद दिस कोल्ड ड्रिंक वेरी मच. सो ये सब फिर से बोल दिया, पहला एप्लीकेशन वही है. क्या? द CO2 और कोई सी भी गैस इन वाटर, द सोल्युबिलिटी ऑफ इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर. ये वाला मैं लिखूंगी, डिक्टेट करो नहीं, फटाफट लिखो मेरे साथ. तो फर्स्ट एप्लीकेशन, द सोल्युबिलिटी ऑफ अ गैस, द सोल्युबिलिटी of a gas in a liquid increases with increase in pressure. increases with increase in pressure. Second application अब मैं बताऊंगी, बहुत important application है. Now listen. अब आ रहे हैं अपन second application पे. आप एक काम करिए, सेकंड एप्लीकेशन में आप एक काम करें, उसका नाम लिख लें एग्जैक्ट, एनोक्सिया. एनोक्सिया, ठीक है. इसको मैं एक प्रैक्टिकल अप्रोच से समझाऊंगी जो मेरे साथ हुआ था, और तुम्हें भी याद रहेगा, तुम ये गलती नहीं करना. आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हिल स्टेशन ऑलवेज, और मुझे बहुत मजा आता है. मतलब एनी टाइम इन हॉलीडेज में हिल स्टेशन ही जाती हूँ, जो कि इस साल कहीं भी नहीं जाएंगे यकीनन. आपको पता है कि आप सब भी बैठे हैं, हम भी घर में बैठे हैं, कोई बात नहीं, होता है कभी. Now listen carefully. Once I went to मसूरी, and then मसूरी के भी ऊपर, बहुत ऊपर में, बहुत ऊपर एक जगह गई. वहां पर जब मैं पहुंचे हम लोग, तो एकदम से वहां बेटा बर्फ गिर गई थी. पता तुम, मैं मतलब हम लोग उसमें थे, गाड़ी में थे, वहां से उतरी, सारी फैमिली वाले नहीं खड़े रह गए, और मैं उनके साथ सो मच एक्साइटेड, तो मैं वहां भागने लगी एकदम से. मतलब मैं जॉय कर रही लाइफ, कौन सी दुनिया में आ गई, बड़ा पहाड़ बर्फ गिर गई. कैन यू इमेजिन क्या हुआ मेरे साथ? मतलब बस आज आप देख रहे हैं मेरे मुंह को खड़ा हो, वरना मुझे लग रहा था दैट वाज द लास्ट मिनट ऑफ माय लाइफ. कैन यू इमेजिन व्हाट हैपेंड? मेरी सांस रुक गई. वहां पर सारे लोग मुझे गाड़ी में मुझे बिठाया, मतलब बिल्कुल मुझे सांस ही नहीं आ रही थी. एंड देन दे हैव गिवन टू मी कॉफी, एंड मतलब आफ्टर आई थिंक 10 मिनट्स के बाद मुझे लगा मुझे कुछ होश है, मतलब आई वाज बस खत्म हो गई. कैन यू इमेजिन व्हाट दिस इज? एनोक्सिया. ये पढ़ना है अपना एप्लीकेशन हेनरीज लॉ का, कभी नहीं भूलोगे ये वाला एप्लीकेशन. याद रखना मेरे साथ क्या हुआ था. नेवर डू इट, डोंट बी एक्साइटेड वेरी मच. एनोक्सिया, यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनोक्सिया? जब अपन हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, जब अपन बहुत ऊपर जाते हैं, जैसे कभी कभी एरोप्लेन में भी होता है लोगों को, एरोप्लेन में कुछ लोग ना बहुत परेशान हो जाते हैं, उनको वॉमिटिंग होने लगती है, उनका सर दुखने लगता है, ये सब इसे कहते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस. जब भी अपन ऊपर जाते हैं ना बेटा, कहीं पर भी ऊपर जाएंगे, तो प्रेशर कम हो जाता है.
ये नॉर्मल फैक्ट है. जमीन पानी के नीचे जाएंगे समुद्र में जाएंगे तो प्रेशर हाई हो जाएगा, ऊपर जाएंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा. ठीक है, जब प्रेशर कम हो जाता है यकीनन तो एयर में क्या है, ऑक्सीजन होता है O2, तो O2 का प्रेशर और सॉल्युबिलिटी आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है. अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो O2 ज्यादा होगा एयर में, और अगर प्रेशर कम होगा तो O2 कम होगा. तो O2 कम हो गया जैसे ही अपन हाई एल्टीट्यूड पे गए जहां प्रेशर लो है, O2 कम हो गया. और जैसे ही O2 कम हुआ यकीनन आपको ऑक्सीजन मिल ही रहा, आपको मतलब आपके लंग्स में ऑक्सीजन आ ही रहा है, तो यकीनन आपको क्या होगा, हार्ट अटैक वाली कंडीशन आएगी नहीं आएगी. और आप बड़ा एंजॉय कर रहे हो, दो मिनट भी तो एंजॉय कर रहा भागे, उसके बाद पता चला क्या हो. तो प्लीज डोंट डू इट, बट रिमेंबर दिस इज एनोक्सिया. एंड व्हाई वी आर हैविंग दिस एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, यू नो व्हाई, क्योंकि हेनरीज लॉ भी यही कहता है कि सॉल्युबिलिटी और प्रेशर आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. आया समझ? मुझे लगता है कि हर बच्चे को समझ में 100% आया, तो ये वाला केस तो आया है. अब आप शॉर्ट नोट मेरे साथ बहुत तेज देखो क्योंकि टाइम कम है और हमें एप्लीकेशन खत्म करना है. राइट, एट हाई एल्टीट्यूड द प्रेशर, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो. एट हाई एल्टीट्यूड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो, सो द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, सो the amount of oxygen is less, the amount of oxygen is less in air, the amount of oxygen is less in air, this leads to low concentration of O2, low concentration of O2 in blood. This leads to the condition known as anoxia. यहाँ से बड़ा स्पेलिंग लिख लो तो नहीं आती. This leads to the condition known as anoxia. A-N-O-X-I-A, anoxia. In which, okay, in which less ability to think is observed, less ability, मतलब दिमाग चल ही नहीं रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, जैसे बेहोश टाइप का, less ability to think is observed, weakness, vomiting. और डॉटेड लाइन लगाते हैं, कुछ भी हो सकता है. जैसे लोग जो लद्दाख अगर जाते हैं, लद्दाख जाते हैं, यहाँ पर भी बहुत ऊपर पे है वो, बहुत हाइट पे है, तो वहाँ पर भी जाके मतलब उनको कहा जाता है जो भी टूरिस्ट होते हैं कि पहले एक दिन आप लोग कहीं नहीं निकलो, यू रिमेन योर होटल एंड देन आफ्टर दैट फ्रॉम द नेक्स्ट डे यू हैव टू, बिकॉज यू हैव टू बी विद द कंडीशन, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द वन हु इज नॉट लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड टू गो दैट वन. मतलब ऐसा दो दफा होता है, मैं कहानी नहीं सुना रही, एक दफा ये होता है, एक दफा और बताना चाहूंगी तो कभी और बताऊंगी. एक दफा और मेरे साथ ये हुआ, मतलब एक दफा के बाद भी मुझे सबक नहीं मिला, सेकंड टाइम भी मैंने ऐसा कुछ कर लिया था, तो थैंकफुली आपके सामने खड़ी हूं. नाउ द लास्ट एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, थर्ड वन, द लास्ट एप्लीकेशन इज बेंस, BENDS. दिस इज द लास्ट एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, जिसका नाम है बेंस, BENDS, बेंस. ये बेटा एनर्जी से जस्ट उल्टा है, बिल्कुल उल्टा है, पहले समझ लो फिर लिख पाएंगे. जो लोग डाइवर्स होते हैं ना, डाइवर्स जानते हैं लोग कौन होते हैं, जो पानी के अंदर जाते हैं, देखते हैं अपन वो डिस्कवरी वाले चैनल में, पीछे वो लटका हुआ है उनके एक बैग और वो नीचे पानी में से जा रहे हैं, देखा सब, ये उनकी कहानी है. जब वो पानी के नीचे जाते हैं ना, तो पानी के नीचे में बेटा पता है क्या होता है, प्रेशर बहुत हाई होता है. अभी मैंने बताया जितना ऊपर जाओगे प्रेशर कम होगा, जितना नीचे आओगे जितना प्रेशर ज्यादा हो जाएगा. तो पानी के नीचे प्रेशर बहुत बहुत ज्यादा होता है, तो वहां पर मतलब ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होता है, लेकिन खाली ऑक्सीजन नहीं होता, खाली ऑक्सीजन तो नहीं होता, एयर भी तो होती है, मतलब जो बैग उनके होते हैं उसमें एयर होती है. तुम सब जानते हो कि एयर में नाइट्रोजन ऑक्सीजन से ज्यादा होता है, आई थिंक सब बच्चों को पता है, क्योंकि एयर तो 9th क्लास में पढ़ते हैं कि एयर में N2 जो है नियरली 70% से ऊपर होता है और ऑक्सीजन कम होता है. तो प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जब वो लोग ऊपर आते हैं, जिंदगी भर तो पानी के नीचे नहीं बैठे रहेंगे वो डाइवर्स,
जब वो ऊपर आ रहा होता है ना सरफेस पे तो प्रेशर कम होने लगता है, और जब प्रेशर कम होता है तो गैसेस जो होती है वो रिलीज होने लगती है ब्लड के अंदर। कौन सी गैसेस? N2 और O2 जो हाई प्रेशर पे होती है। लो प्रेशर आता है तो रिलीज होने लगती है और वो कैपिलरीज में ना मतलब जमा हो जाती है, वो एक्यूमुलेट होने लगती है। तो एकदम से कैपिलरी तो देखो बंद होने लगेगी, कैपिलरी तो खुली रहना चाहिए ताकि ब्लड का फ्लो अच्छी तरह हो। तो पता है कंडीशन आती है वो लगता है हार्ट अटैक हो रहा, वहां भी मैंने हार्ट अटैक कहा था, पर वो हार्ट अटैक क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन कम था, गिर रहा है, पड़ रहा है, वीक हो गए, गिर पड़ गए। और यहाँ पर सही में बिल्कुल हार्ट अटैक वाली कंडीशन आती है, एकदम से इंसान जब मर गया और मर भी जाते हैं इसमें, मर सकते हैं। तो इसलिए इस कंडीशन को कहा जाता है बेड्स। क्या कंडीशन का नाम है? BEDS, बेड्स। और इसके अंदर क्या करें तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो जो एयर बैग होते हैं ना डाइवर्स के, उनके अंदर एयर के साथ बेटा हीलियम भी डाल देते हैं ताकि N2 का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाए और आराम से वो लोग मतलब टॉप अप कर जाए। और हीलियम की खास बात क्या होती है, एक दफा क्वेश्चन आता है बॉडी में हीलियम को डालो कुछ और डालो ना, लो सोलिबिलिटी ऑफ हीलियम इन ब्लड, इसलिए हीलियम को प्रीफर करते हैं। आई होप दैट्स इट क्लियर। अब एक काम करना, जब लिखोगे ना उस टाइम भी दिमाग चलाना, आंखें बंद करके नहीं लिखना, लिखते टाइम भी आपको दिमाग में रखना जो मैं बोल रही हूँ। तो राइट अबाउट बेड्स फर्स्ट, एट सी लेवल समुद्र के अंदर बल्कि फॉर डाइवर्स या इनसाइड एट सी लेवल नहीं, इनसाइड द सी करो, इनसाइड द सी द डाइवर्स कॉपर विथ हाई प्रेशर, द डाइवर्स कॉपर विथ हाई प्रेशर ऑफ डिसॉल्व गैसेस, which increases the solubility, which increases the solubility of these gases in blood, which increases the solubility of these gases in blood, ठीक है, full stop. When the divers come on the surface, the gases release out, and N2 gas block the capillaries, comma. A dangerous condition is there, like a heart attack. To avoid this condition, the airbag of divers are filled with air and helium. अब ये लिख लो बड़ा जल्दी से कंपोजिशन, थोड़ा होल टाइम एंड और क्लास का मुझे जल्दी करना, फटाफट लिखना है। 11.7% हीलियम, 56.2% N2, 32.1% O2 रखना पड़ेगा। ये इसको हर बच्चे को रखना है क्योंकि ये कॉम्पोजिशन है, डायवर्स के बैग में ये डाला जाता है वरना बैड हो जाएगा, यानी हार्ट अटैक जैसा हो जाएगा। 11.7% हीलियम, 56.2% N2, 32.1% O2 टू अवॉइड द बैड्स। और लास्ट लाइन देखोगे, हीलियम इज एडेड ड्यू टू इट्स लो सोल्युबिलिटी इन ब्लड, helium is added due to its low solubility in blood, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, मैंने बोला है और शेयर भी करना है। और अगली क्लास में किसे बता दूंगा किसका हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, इसलिए देख के आना है, दो दफा तीन दफा जितनी दफा देखो, मुझे उससे मतलब नहीं, मुझे रटा होना चाहिए जो मैंने पढ़ाया है ताकि न्यूमेरिकल्स आप कर सकें। और जो मैंने कहा है आप लोग दुआ करें कि संडे स्पेशल में दे पाओ तो वो अपन करेंगे। एंड अगर कोई डाउट है कुछ भी है तो आप कमेंट्स में डालेंगे या व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मुझसे बात कर लेंगे। किसी को मेरा नंबर नहीं याद है तो
ग्रुप में है और जो ग्रुप के अलावा कोई बच्चा है तो 9993600466 9993600466 All the best. Good day. Have a nice day. Thank you.